हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। और आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फ्रूट टार्ट। तो ये फ्रूट टार्ट बहुत ही यम बनता है, और फ्रूट्स जो हैं वो आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, या सीजनल फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिया है वही चाहिए है। तो बहुत ही यमी डेजर्ट है। तो चलिए बनाते हैं कस्टर्ड फ्रूट टार्ट और फ्रूट टार्ट। चलिए इंग्रीडियंट्स देखते हैं हम टार्ट शेल के। 1.5 कप ऑल पर्पज फ्लावर, मैदा, 6 टीस्पून आइसिंग शुगर, देन रूम टेम्परेचर बटर 1/3 कप प्लस 2 टीस्पून, 1 एग, पिंच सॉल्ट, 3 टीस्पून कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लोर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे बटर जो कि रूम टेम्परेचर में है, और इसको हम अब ये बीट करेंगे। तो मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ एज यूजल, और आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं या वेस्ट से भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम शुगर डालेंगे। तो मैं एक बार छान रही हूँ शुगर को। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। और मेरे पास आइसिंग शुगर थी इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, उसको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसको बीट करें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे 1 एग। तो मैं फुल एग डाल रही हूँ, आप चाहे तो एग योग भी खाली डाल सकते हैं। अगेन इसको बीट करेंगे। ठीक है, हमने अच्छे से बीट कर लिया। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शिफ्ट करेंगे। मैं ले रही हूँ ऑल पर्पज फ्लावर, पिंच सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर। अच्छे से शिफ्ट करते हैं, हल्का सा स्पैचुला से मैं मिक्स कर लेती हूँ। एंड मैं अगेन इसको बीटर से कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पैचुला से, स्पून से भी कर सकते हैं। ओके, देखिए अच्छे से पूरा बीट कर लिया हमने। ओके, देखिए इसको दबा के अच्छे से एक डो की जैसे हम रेडी कर रहे हैं। ओके, देखिए तो मैंने थोड़ा सा स्पैचुला से किया है, और बाकी हल्का सा हम हाथ से करेंगे। लेकिन आप कोशिश करना कि हाथ से ज़्यादा ना करना, क्योंकि बटर जो है वो पिघल जाएगी। तो हम हल्का सा ही बस कर रहे हैं। तो देखिए अच्छे से डो जैसा रेडी हो गया। ओके, और अब क्या करेंगे, मैं एक प्लास्टिक रैप ले रही हूँ, इसमें हम रख रहे हैं। इसको कवर कर देते हैं, हल्का सा प्रेस कर देते हैं इसे। ओके, तो अच्छे से रैप कर लिया मैंने। और अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे 25-30 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद इसको मोल्ड में हम डालेंगे, बनाएंगे। ओके, चलिए तो मीनवाइल हम कस्टर्ड क्रीम बना लेते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम अपने कस्टर्ड क्रीम के। शुगर लेंगे 2/3 कप प्लस 6 टीस्पून, देन ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है 1/4 कप प्लस 1 टीस्पून, व्हिपिंग क्रीम 1/4 कप एंड मिल्क 2.5 कप। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बाउल लिया है, इसमें अब हम ये व्हिपिंग क्रीम डाल रहे हैं, और मैंने शुगर है जो हमने शुगर ली थी उसमें से 5-6 टीस्पून मैंने निकाल ली है कि हम व्हिपिंग क्रीम में डालेंगे। तो अब इसको हम बीट करते हैं सिर्फ पीक आते तक। ओके, और थोड़ी थोड़ी देर में मैं पोर्शंस में शुगर डालते हुए बीट कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं शुगर को। देखिए इसको हमने अच्छे से बीट किया, ये देखिए सिर्फ पीक आ रही है, तब तक हमने बीट किया। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, और हम बनाते हैं हमारा कस्टर्ड। चलिए वनीला कस्टर्ड बनाएंगे। तो उसके लिए ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है। ओके, ये लेंगे, और जो मिल्क हमने लिया था उसमें से मैं 1/2 कप ले रही हूँ। ये 1/2 कप मिल्क लिए हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। और अब हम एक पैन लेंगे, उसमें बाकी का ये सारा मिल्क मैं डाल रही हूँ, गैस ऑन कर दिया है, एंड ये सारी शुगर बची हुई ये हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, और एक बॉयल आने देते हैं, और शुगर भी अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी मिल्क में। तो देखिए कुछ ही मिनट में मिल्क में अच्छे से बॉयल आ रहा है। ओके, और अब इस पॉइंट में हमने जो ये बाकी मिल्क में जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा था उसको एक बार और अच्छे से
मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे क्योंकि नीचे जम जाता है वो। ओके, और धीरे धीरे अब इस मिल्क में डालते हुए मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे। ओके, अच्छे से स्टर करेंगे। फ्लेम हल्की सी लो कर दी है मैंने, बहुत जल्दी ही हो जाता है ये। ओके, गैस बंद करते हैं। और ये देखिए, ये हमारा कस्टर्ड अब रेडी है, ये देखिए। ओके, अब इसको मैं ठंडा होने देती हूँ रूम टेम्परेचर में हल्का सा, और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप बाद में करेंगे। चलिए अब बनाते हैं शाइन और ग्लेज। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम शाइन और ग्लेज बनाने के। शुगर 1/4 कप, वाटर 1/4 कप, एंड लेमन जूस चाहिए होगा 2 to 3 ड्रॉप्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है, छोटा सा पैन लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं शुगर एंड वाटर, मिक्स करते हैं। और इसको हमको शुगर सिरप नहीं बनाना है, बस एक बॉईल आ जाए, शुगर डिजॉल्व हो जाए, उतना ही कुक करना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट में इतने अच्छे से बॉईल आ गई, हम गैस बंद कर देते हैं अब। और इसमें 2 से 3 में लेमन के ड्रॉप डालना है, तो मैं लेमन स्क्वीज कर रही हूँ कि इसकी कुकिंग रुक जाए, क्रिस्टलाइज ना हो ये। और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये अभी हमारा ग्लेज रेडी हो गया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टार्ट शेल बनाने का प्रोसेस। क्योंकि हमारे डो को 25 से 30 मिनट्स हो गए हैं, हमने फ्रिज से निकाल लिया है। मैं थोड़ा सा फ्लावर ले रही हूँ नीचे, बहुत ही कम लेना है। ओके, देखिए। और अगर आपको ऐसे फ्लावर नहीं लगाना है तो आप 2 पार्चमेंट पेपर के बीच में भी इसको रोल कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, और मैं बस रोलिंग पिन से हल्का सा इसको स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए हल्का सा साइड साइड से ये जैसे क्रैक होता है, तो इसको ऐसे प्रेस करके, इसको ऐसे दबा के प्रेस करके अच्छे से सील कर देंगे। परेशान नहीं होना है, आराम से करना है, थोड़ा सा पेशेंस लेके ये काम। ओके, एंड देन फिर रोल करेंगे। देखिए इसको हमने अच्छे से रोल कर लिया, स्प्रेड कर लिया अच्छे से। और अब इसको मैं रोलिंग पिन में हल्का सा उठा रही हूँ। देखिए अच्छे से उठा लिया हल्का सा, बहुत ध्यान से करना है। एंड देन इसको वापस से इसमें रोल कर देते हैं। और ये जो क्रैक्स आए इनकी टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब इसको इसके अंदर करना है अच्छे से, इसको पूरा इसके अंदर अच्छे से सेट करना है और इन क्रैक्स को अच्छे से हील कर देंगे अब हम। इसको अच्छे से ऐसे अंदर करते जाना है और हल्का सा प्रेस करते जाना है। साइड्स में इसे अच्छे से प्रेस करना है। देखिए धीरे धीरे इसको पूरा अच्छे से सेट करना है। इसमें जो एक्सेस है उसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो आप ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, ये इस तरह से नाइफ से कट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस पर ऐसे रोलिंग पिन चला दीजिए, या डायरेक्ट इस पर ऐसे रोलिंग पिन आप चला देंगे तो अपने आप जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा, ये एक्स्ट्रा सारा से निकल जाता है। देखिए इसको अच्छे से हमने सेट कर दिया। ओके, और अब इसमें हम फोक से पोक कर रहे हैं, इससे ये ऐसे फूलेगा नहीं बीच से। ओके ओके, इसको हमने फोक से पोक कर दिया अच्छे से, तो ठीक है। और अब इसको मैं प्लास्टिक रैप से ऐसे कवर कर दे रही हूँ। ठीक है, और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, थोड़ा सा सेट होने के लिए। तो देखिए 10 टू 15 मिनट्स हो गए हैं और मैंने इनको इसको फ्रिज से निकाल लिया है, और हम ये निकालते हैं कवर। और अब हमें क्या करना है,
मैंने पार्चमेंट पेपर ऐसे कट करके रखा हुआ है, ठीक है, इसके साइज़ का। तो ये मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ ऐसे, ये डालेंगे। तो मैं किडनी बीन्स यूज़ कर रही हूँ वेट के लिए, आप दूसरे बीन्स और पल्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से सब तक। और अब ये पूरी तरह रेडी है ओवन में जाने के लिए। तो मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 340 डिग्री फ़ारेनहाइट इन अप्रॉक्स 170 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हम रखेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। और एज यूजुअल मैं बेक टाइम बाद में बताऊंगी। तो ये जाएगा स्ट्रेट ओवन में। तो देखिए ये बेक होते हुए, और अभी बीन्स डाल के बेक कर रही हूँ। फिर 10 मिनट बाद मैंने बीन्स हटा दी थी और फिर हम बिना बीन्स के इसे बेक कर रहे हैं। तो देखिए हमारा टार्ट शेल बेक हो गया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसको लगा है टोटल टाइम 22 मिनट्स, और देखिए बहुत अच्छा पिंकिश, बहुत अच्छा कलर आया है और अच्छे से बेक भी हुआ है। अभी एक्चुअली गर्म है तो इसको भी हम ठंडा होने रख देंगे 15-20 मिनट्स के लिए, ओके। और देखिए बिल्कुल फुला भी नहीं है ये, और जैसे हमने पोक किया है तो इसी से ये आराम से प्लेन ही रहेगा। तो मैंने बीन्स भी यूज़ कर ली दिखाने के लिए कि ऐसा भी कर सकते हैं, उस तरह से हमारा जो बेस है वो प्लेन आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं और बीन्स भी रख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये बाद में हम जब इसमें कस्टर्ड लगाएंगे तो ये सॉगी हो जाएगा नीचे से, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसमें एक वाइट चॉकलेट की लेयर लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे यकीन है कि ये जो मैंने बनाया है क्रिस्पी ही रहेगा, सॉगी नहीं होगा, तो मैं नहीं लगा रही हूँ, ओके। तो ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है तो आप वाइट चॉकलेट इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं 15-20 मिनट्स बाद। तो अब हम इस पर वर्क करेंगे अपने कस्टर्ड पे एंड व्हिपिंग क्रीम, ये दोनों मैंने फिर से बाहर निकाल लिया है, ओके। और अब ये जो व्हिपिंग क्रीम है ये हम इसमें मिलाएंगे। तो आप इसे स्पैचुला से भी मिला सकते हैं, पर मैं इसको अच्छे से बीट करने वाली हूँ अभी मिक्स करके। इसको बीटर से अच्छे से मिला लेंगे तो ये इवन हो जाएगा, अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए हमने इसका अच्छे से बीट कर लिया, ये हमारा कस्टर्ड क्रीम रेडी है। और इसको हम ऐसे स्पून से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पाइपिंग बैग में फिल कर रही हूँ अभी, ओके। और उसमें मैंने नोज़ल लगाया हुआ है, ये बाहर निकालूंगी तो मैं दिखाऊंगी, ओके। तो मैं इसमें फिल कर लेती हूँ, मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने नोज़ल लगा लिया था, ओके। और फिर पाइपिंग बैग में हमने भर लिया है, फिल कर लिया है, इसको हम रखते हैं अभी साइड में। चलिए अभी हमारा टार्ट शेल भी ठंडा हो गया है, ओके, इसको हम इससे हटाते हैं। और ये देखिए ये देखिए। और अब इस पॉइंट में अभी आपको जिस भी चीज़ में आपको डेकोरेट करना है, डेकोरेटिव पीस या ट्रे या कोई भी जिस चीज़ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट रखना है, डेकोरेट करना है, वो आप रेडी करके रखिए। और ये टार्ट धीरे से ये इस पर हम रखेंगे। ये देखिए हमारा टार्ट कितने अच्छे से बना है, देखिए बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। ये देखिए डिज़ाइन भी देखिए, बहुत अच्छा बेक हुआ है। तो ये हमने इसमें रख दिया, और अभी इसको हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब फ्रूट्स देख लेते हैं कौन कौन से मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलेंगे या जो भी आपकी चॉइस के पसंद के फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रास्पबेरीज, देन ऑरेंज, क्वांटिटी तो आपके टार्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, देन ब्लूबेरीज, देन कीवी लिया है मैंने, तो इसको मैंने ऐसे राउंड करके देन हाफ सेमी सर्कल में कट कर लिया है, देन पाइनएप्पल, देन स्ट्रॉबेरी, ऐसे स्ट्रॉबेरीज को लीव्स की तरह कट कर लिया है मैंने, ओके। एंड थोड़े से मैंगो के स्लाइसेस लिए हैं, और एक स्ट्रॉबेरी को मैंने रोज पेटल्स की तरह कट किया हुआ है, डेकोरेशन के लिए ऑप्शनल है। चलिए सारे फ्रूट्स हमारे पास हैं, हमारे पास कस्टर्ड क्रीम भी है हमारी। अब हम फाइनल प्रोडक्ट अपना सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, फ्रूट टार्ट रेडी करते हैं। कस्टर्ड क्रीम है ये हम इसमें फिल करेंगे, तो मैं पाइपिंग बैग में डाला हुआ है मैंने, लेकिन आप प्लेन ऐसे स्पून से या स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, ओके।
वन मोर लेयर, और ये देखिए छोटा सा टार्ट, हमारा जो डो बचा था उससे मैंने मिनी टार्ट बनाया हुआ है, तो इसमें भी हम फिल करेंगे। ये देखिए, एंड अब इसको हल्का सा मैं प्लेन कर रही हूँ, इवन कर रही हूँ। ओके, ओके, ये अच्छे से इवन हो गया। और अब इसमें हम फ्रूट्स डेकोरेट करेंगे, तो फ्रूट्स और डेकोरेशन दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से। तो मैंने एक स्ट्रॉबेरी जो है वैसे रोज़ पेटल की तरह कट की हुई है, ओके, तो मैं इसको बीच में रख रही हूँ। देन फिर हम रखेंगे बेरीज, तो मैं ब्लू बेरीज का एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। देन हम रखेंगे कीवी, तो इसी तरह हम कीवी का भी पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हम रखेंगे स्ट्रॉबेरी, अगेन स्ट्रॉबेरी का सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो देन स्ट्रॉबेरी के बाद रखेंगे हम ऑरेंज, देन ऑरेंज का भी सर्कल कंप्लीट करेंगे। ऑरेंज के बाद अगेन हम कीवी रख रहे हैं, सो कीवी आल्सो डन। देन कीवी के बाद तो वन रास्पबेरी एंड वन ब्लूबेरी, अगेन वन रास्पबेरी एंड ब्लूबेरी। जो मैंगो की स्लाइसेस है ये हम कहीं कहीं पे रखेंगे, एंड देन पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी की एक एक और लेयर लगा रही हूँ यहाँ बीच में। तो सारे फ्रूट्स को मैंने डेकोरेट कर लिया, और आप अपने चॉइस का अपनी पसंद से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए छोटे टार्ट को भी हम डेकोरेट करेंगे, तो मैं रख रही हूँ एक स्ट्रॉबेरी, देन कीवी, ब्लूबेरी, वन मैंगो, ऑरेंज एंड दिस, ये देखिए मिनी टार्ट। ये देखिए हमारा फ्रूट टार्ट बहुत ही सुंदर, कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे आप सिंगल टार्ट भी बना सकते हैं। और अभी हमारा एक छोटा सा काम बाकी है, वो है इसको शाइनी बनाना। ओके, तो हमने जो ग्लेज बनाया था अब वो हम इसमें लगाएंगे। देखिए हमने जो ग्लेज बनाया था बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे अब हम सारे फ्रूट्स में लगाएंगे। तो इस तरह मैं सारे फ्रूट्स में ग्लेज लगा लूँगी। ग्लेज लगा के बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ गई है। और ये हमारा छोटा सा मिनी टार्ट, देखिए। तो ये हमारा सुपर यमी कस्टर्ड फ्रूट टार्ट एंड मिनी टार्ट आल्सो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।